भाजपा से भी। और इसी बीच हमारे साथ हेमा मालिनी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैम स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। काफी दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। बहुत बहुत ही अफसोस हुआ सुनकर उनका निधन हो गया है। ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा राजनीति में बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है। एंड मैं जब मथुरा की सांसद बनी तब मेरे लिए भी बहुत उन्होंने हेल्प किया, अखिलेश जी और अखिलेश जी के साथ मिलकर। तो उनका बहुत बहुत लंबा सफर रहा है इस राजनीति में, पॉलिटिक्स में, और बहुत बढ़िया काम और अपना नाम बनाया है, और आज वो नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। जी हेमा मालिनी जी, देखिए काफी लोकप्रिय नेता रहे थे मुलायम सिंह यादव, और खुद के बलबूते पर उन्होंने एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी थी जिनका आज भी डंका चलता है उनके प्रदेश में। और ऐसे में इतने पुराने नेता अब जब चले गए हैं तो किस तरह से इसको देखा जाए भारत की राजनीति के लिए? राजनीति में ऐसा वापस दूसरा व्यक्ति आना, आने तक सबको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे डेडिकेटेड व्यक्ति जो राजनीति में इतना काम किया है, अपने आप में बलबूते पे उन्होंने जो खड़ा किया है पार्टी को, ऐसा व्यक्ति मिलना किसी भी पार्टी में, जो भी नेता लोग हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो बहुत मुश्किल है ऐसा वापस आना, लेकिन सबको तो एक दिन जाना ही तो है। सब जानते हैं इस बात को। जी बिल्कुल हेमा मालिनी जी, अभी जिस तरह से आपने बताया कि जब आप सांसद के तौर पर खड़ी हुई थी वहाँ से, तो यादव फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट आपको किया था, अखिलेश यादव ने भी आपको काफ़ी समर्थन दिया था, तो ऐसे में आप क्योंकि परिवार से जुड़ी रही हैं तो कुछ आपकी एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, आप कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें क्योंकि उनके परिवार से आप जुड़ी रही हैं? हाँ जी, यस, मुझे बहुत ही अफसोस है। मैं उनका आई प्रे फॉर हिज रेस्ट इन सोल, बी रेस्ट इन सोल। और क्या बताऊं मुझे, क्योंकि अभी पता चला इनके विषय में, आप ही ने इन्फॉर्म किया। जी बिल्कुल हेमा मालिनी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी एक्ट्रेस और सांसद हमारे साथ हेमा मालिनी जी।